भी गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। टिकट की तैयारी, कल से दावेदारी। जी हां, कांग्रेस इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने के संकल्प को साकार करने में जुटी है। मिशन 156 को धरातल पर उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए कांग्रेस जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर दाव लगा रही है। 21 अगस्त से उम्मीदवारों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इस बात के संकेत दे दिए गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया पर लगी मुहर। इक्कीस अगस्त से मांगे जाएंगे आवेदन। जिताऊ उम्मीदवारों पर होगा कॉन्सेंट्रेशन। राज नहीं रिवाज बदलेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद इसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। 21 से 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में बैठक होगी। इन बैठकों में प्रत्याशियों से आवेदन लिए जाएंगे। बंद लिफाफे में 24 अगस्त तक सौंपे जाएंगे आवेदन। टिकट चयन में ग्रास रूट पदाधिकारी की भी होगी भूमिका। 25 से 27 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक होगी। प्रदेश चुनाव समिति के दो दो सदस्य इन बैठकों में शामिल होंगे। कम से कम 3 अधिकतम 5 आवेदकों का बनाएंगे पैनल। पीसीसी को 30 अगस्त तक सौंपने होंगे नाम। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से मिले सभी आवेदन भी सौंपने होंगे। 28 से 31 अगस्त तक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई राजस्थान के दौरे पर आएंगे। इन सभी उम्मीदवारों के पैनल को स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दिया जाएगा। 21, 22, 23 तीन दिन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा वो वहां उस बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा। हम लोग वहां पर जो भी आवेदन का एक प्रफोर्मा जारी करेंगे उसके साथ में हम उनसे काफी कुछ डिटेल्स मांगेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की, उसको भी उसको देना होगा। और वो सारे आने के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पीसी के मेंबर साहिबान हैं वो अपनी राय के साथ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों के बारे में अपनी राय के साथ में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। प्रदेश में पिछले कई चुनाव से एक रिवाज सा रहा है। 5 साल सत्ता में रहने वाले पार्टी का राज चला जाता है और पिछले चुनाव में पराजित दल के सिर पर जीत का सहरा सज जाता है। इस लिहाज से इस बार सत्ता में आने की बारी बीजेपी की है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत समेत अधिकतर कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। तभी सीएम अशोक गहलोत पीएम मोदी के राजस्थान दौरों को लेकर निशाना साधते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी राजस्थान में 6 बार आ चुके हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को रिपीट करने का मन बना लिया है। आपको बताते चलें कि चुनाव को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इस बार चुनावी बजट पेश किया था। वहीं लंबे समय से नए जिलों के गठन की मांग को पूरा कर अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। पार्टी को उम्मीद है कि गहलोत सरकार की ओर से जनता को लगातार दी जा रही योजनाओं के बूते व चुनावी किला फतेह करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से खबर है, मस्जिद रेसिडेंसी का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। आज स्थानीय लोगों ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पुतले को जूते की माला पहनाकर रैली निकाली और बाद में पुतला दहन किया। इन लोगों ने सरकार को चुनाव वोट बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। 6 महीने से लगातार आंदोलन जारी था। आप देख सकते हैं कि फरवरी में करीब 106 घंटे की भूख हड़ताल के बाद में जब 88 वर्षीय बुजुर्ग ने अनशन तोड़ा था तो सरकार के नुमाइंदों की तरफ से ये दिलासा दिलाया गया था कि जल्दी उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद ना तो कमेटी बनी, ना मस्जिद के आगे से अतिक्रमण हटाया गया। जो आंदोलन है, भूख हड़ताल है, फिर से शुरू की जाएगी। क्या चेतावनी आपकी? चेतावनी यही है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी कमेटी नहीं बनाई गई तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और कांग्रेस के वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमें धोखा दिया है रफीक खान एमएलए ने और ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने। बोले पहले ही कमेटी के अंदर, मतलब कमेटी बना दी जाएगी पहले ही बोर्ड की मीटिंग के अंदर, लेकिन अभी तक 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, हमारी बिल्कुल भी कमेटी नहीं बना रहे। क्यों? कि ये जो प्रॉपर्टी है करोड़ों की, रिहायश जो प्रॉपर्टी है, इस पर बुरी नजर जो है खानू खान की, इसलिए वो कमेटी नहीं बनाना चाह रहा है। हम हरगिज भी इस प्रॉपर्टी पर आंच नहीं आने देंगे। हम ये मांग करते हैं कि मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जिसको हमारे यहाँ चेयरमैन बना करके भेजा है, वो खुद है ना करोड़ों की संपत्ति बना करके शांतिनगर में रह रहा है, और जो हमारे जो रफीक खान साहब है, जो हमारे हमदर्द बने हुए हैं, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था, लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपकी पहली मीटिंग के अंदर कर दी जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, आपने जिनको चेयरमैन बनाया, उन्होंने हमारे स्थानीय विधायक जी प्रताप सिंह जी खासरी आवाज की भी नहीं सुनी, ये कैसे चेयरमैन है? भी आपने चेतावनी दी थी, आपकी मांग नहीं मानी 6 महीने तक। हमने 7 दिन का टाइम देते हैं, इसे प्रताप सिंह जी ने इसके अंदर बीच में आकर मामले को बैठाया था। उसके बाद में रफी खान साहब ने भी कहा था कि पहली मीटिंग के अंदर आपकी कमेटी बन जाएगी, पर अभी तक कमेटी नहीं बनी है, 6 महीने पूरे हो गए हैं। अब हम सिर्फ 7 दिन की आपको चेतावनी देते हैं, 7 दिन के अंदर कमेटी बन जानी चाहिए। अगर कमेटी नहीं बनती है, इसके जिम्मेदार खानू खान खुद होगा और इसके जितनी पब्लिक है यहाँ पर इकट्ठे होने वाली है, 7 दिन के लिए आप तैयार हो जाएं। कैमरा पर्सन दिलचस्पी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।